जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम भारद्वाज आज एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट लेकर के आया हूँ आप लोग के सामने। ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये एक बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब कि दो साल में एक बार आता है। 2017 में आया था, अभी 2019 में आया है, फिर 2021 में आएगा। तो एक्चुअली ये हम लोग इसमें फॉरेस्ट कवर के बारे में जानेंगे कि कितना फॉरेस्ट कवर है, फिर ट्री कवर के बारे में देखने वाले हैं, फिर देखने वाले हैं किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है एज इन टर्म ऑफ एरिया, एज इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ देयर एरिया। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है फॉरेस्ट कवर क्या होता है। तो वो जो कोई भी एरिया जो एक हेक्टेयर से ज़्यादा हो जिसका साइज, और जहाँ पे मोर देन 10% ट्री कैनोपी डेंसिटी हो। तो अब ये कैनोपी डेंसिटी होता क्या है, तो एक्चुअली ये एक सैटेलाइट टर्म है जिसके अनुसार वो लोग पर ग्रिड वाइज देखते हैं, पर यूनिट ग्रिड में कितना डेंसिटी है क्रॉप का, ट्री का, तो उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। एंड देन वो सर्ब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज़ में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ने फॉरेस्ट को दो भाग में डिवाइड किया है। एक है डेंस फॉरेस्ट है और एक है ओपन फॉरेस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस ये कि ओपन फॉरेस्ट जो होता है सो 10-40% उसका कैनोपी डेंसिटी होता है, डेंस फॉरेस्ट जो होता है उसका मोर देन 40% डेंसिटी होता है। तो अब इसके साथ एक और टर्म है फॉरेस्ट कवर का, मैंने बताया आपको 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है उसका साइज, बट ट्री कवर जो है उसका लेस देन 1 हेक्टेयर होता है और उसमें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया नहीं होता है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो प्लेस है जो कि इन द टर्म्स ऑफ टैक्सेस, इन द टर्म्स ऑफ रिकॉर्डेड सर्वेज में जिसका एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स है। तो अब हम लोग एक छोटा सा डाटा पे देखते हैं, तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो इंडिया में है वो 21.67% 22% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया है। तो हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट कवर इन द टर्म्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर, तो वो है 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके साथ साथ ट्री कवर भी जुटा हुआ है, जो मैंने बताया 1 हेक्टेयर से लेस है उसका है 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 3% के अप्रॉक्स ऑफ द टोटल इंडिया के एरिया के बराबर है। तो इन दोनों को अगर टोटल हम लोग जोड़ देते हैं, अगर हम लोग ट्री कवर देखते हैं फॉरेस्ट कवर दोनों जोड़ करके, तो टोटल ग्रीनरी जो है वो 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है, जो कि 24.5% अप्रॉक्स हो जाता है। एंड ये लास्ट ईयर से थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज़ है, जो कि 24.39% था। एंड हम लोग जैसा कि जानते हैं NDC जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसमें इंडिया ने बोला है कि वो अपने एरिया का 33% डेडिकेट करने वाला है ग्रीनरी को, डेडिकेट करने वाला है फॉरेस्ट कवर को, ट्री कवर को। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया किस जगह पे है। तो यहाँ हम लोग मैप में देखते हैं, मध्य प्रदेश सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पोजीशन पे छत्तीसगढ़ है, फोर्थ पे उड़ीसा है, फिफ्थ पे महाराष्ट्र है। तो इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है सीधा MACOM, MACOM, M फॉर मध्य प्रदेश, A फॉर अरुणाचल, कॉम छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो ये है आपका इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया के टर्म्स में है। अब हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल एरियाज़ ऑफ द स्टेट, तो मतलब स्टेट का कितना परसेंटेज पार्ट जो है सो ट्री कवर से घिरा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है मिज़ोरम, जिसका 85% एरिया जो है सो घिरा हुआ है ट्री कवर से। सेकेंड पोजीशन पे आता है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे आता है मेघालय, फोर्थ पे आता है मणिपुर, फिफ्थ पे आता है नागालैंड। इसको भी याद करने का एक आसान सा तरीका है मर मी मान, ओके। तो एक्चुअली मिज़ोरम मेघालय में डिफरेंस नहीं पता चलता, इसी के लिए मैंने मर मी मान किया है। M फॉर मिज़ोरम, AR फॉर अरुणाचल प्रदेश, मी मान, तो मी फॉर मेघालय, मान फॉर मणिपुर, एंड देन लास्ट इज नागालैंड। बट एक बात ध्यान में रखने वाली है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, जो कि 7 सिस्टर्स हैं, उनमें जो टोटल फॉरेस्ट एरिया उसकी कमी आई है, एक्सेप्ट असम एंड त्रिपुरा को छोड़ के जो भी एरियाज़ हैं उनमें कमी आई है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नीचे में कोई कमेंट छोड़ दीजिए आप। थैंक यू।